देख सकते हो आम आदमी पार्टी के जिले के आगू साहबान वड्डी गिणती वलंटियर साहबान इतने पहुंचे हुए ने और शहीद किसानों जिहड़े कि किसानी संघर्ष के दौरान शहीद होए ने उन्होंने अज श्रद्धांजलि दी जा रही है। 2 मिनट का मौन भी रखा जाना है और कैंडल मार्च कढ़िया जा रहा है और यही मांग की जा रही है भी केंद्र सरकार अपना रवैया जिहड़ा वो बदले और ये खेती कानून बिना देरी तो खारिज किए जाए। तो आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान जीवनजोत कौर इतने पहुंचे ने गलबात कर लेने। मैडम की कहना चाहते हो जो अज कैंडल मार्च कढ़िया जा रहा है? अज का कैंडल मार्च साडा खास तौर पर साढ़े वो किसान शहीद 600 तो उपर जे किसानी संघर्ष के शहादत पा गए उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट करने लिए है। असी जिमें कि जानते हाँ कि 17 सितंबर 2020 जड़ा बिल है ने वो पास किए गए थे लोग सभा दे विच उस दिन दे करके अज का दिन एक काले दिन के वजो मनाया जा रहा है। उस तो बाद 20 सितंबर 2020 दे विच ये बिल जड़े ने ये पास कर दिए गए सन। उस दिन तो साडे किसान भरा सारे देश भर के संघर्ष से बैठे हुए हैं। उस संघर्ष के दौरान साढ़े 600 तो उपर किसान जड़े वो शहादत पा गए। अज उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट करने लिए साढ़े आम आदमी पार्टी वालों एक कैंडल मार्च निकालिया गया है और नाल इतने मैं ये भी कहना चाहनी कि अज श्वेत मलिक के घर के बाहर रात साढ़ा एक किसान होर शहादत पा गया अंग्रेज सिंह और इन्नी मोटी चमड़ी और इन्ना इनह्यूमन वर्तारा वा इस बीजेपी सरकार का कि वो उस तो बाद भी उत्थे जाके ते खन्ना स्मारक ते मोदी साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उन्होंने बिल्कुल कोई परवाह नहीं सी कि किसान एक उन्होंने घर के बाहर जो शहादत पा गए। कह रहे किसान शहादत पा गए एक अक्षर नहीं किया गया बीजेपी वालों की कहोगे? तानाशाही। मैं तो पहले कह रही कि मोदी सरकार दे विच जड़ी है वो हिटलर दी रूह जड़ी है वो वड़ चुकी है। उन्होंने किसी हालत ते उन्होंने कोई असर नहीं हो रहा है। 600 तो उपर किसान साढ़े शहादत पा चुके ने उत्थे मीह झक्खड़ नेरी ठंड धुप दे विच साढ़े किसान पिछले एक साल तो बैठे ने और जबकि किसानों ने केंद्र की मोदी सरकार नूं ते पंजाब च कैप्टन सरकार नूं बहुत क्लीयर करता कि जब तक ये 3 काले कानून रद्द नहीं किए जाएंगे वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे। और बड़ी गिनती में किसान मारे गए ने आने वाले समय में होर भी मौतें हो सकती हैं उसके बारे की कहोगे? ये यही तो कह रहे हैं असी तो आम आदमी पार्टी तो मांग करती है कि इमीजिएटली ये जो काले कानून है रद्द किए जाने चाहिए है। जदों ये किसानों ने क्लीयर कर दिता कि असी उतों तक ये संघर्ष खत्म नहीं करांगे जब तक ये 3 कानून रद्द नहीं कर दिए जाते। सो असी यही चाहते हाँ कि मोदी सरकार जड़ा है इनू थोड़ा जहा अपना तानाशाही बिहेवियर तो बाहर निकल के लोकतंत्र कंसिडर करते हुए ये 3 काले कानून तुरंत रद्द करने चाहिए। प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी क्या तोहफा देना चाहिए थे किसानों इस रूप में जो बिजली के बिल अपना खारिज किए जाते खेती बिल? ये तो बहुत जरूरी बहुत देर पहले ये तो लगना ही नहीं चाहिए किसान धरना। जिस चीज़ की सानू इच्छा नहीं है जिस चीज़ की ख्वाहिश नहीं वो साढ़े जबरदस्ती किवें थोपी जा सकती? किसान नहीं चाहते कि कानून जोड़े उन्होंने वास्ते लागू किए जाने तो फिर तो ये जबरदस्ती है। एक साल हो गया देखो कहदा तोहफा आएगा वा ये प्रधानमंत्री कहदा तोहफा 477 जी ऑफिशियल फिगर आ लेकिन 500 के करीब जोड़े किसान जोड़े शहीद हो चुके हैं विच इज़ वेरी बैड। लेकिन जन्मदिन का कहदा मनाई आ देखो यही मोमबत्तियां असी फड़िया दी अच्छ ये जन्मदिन नहीं है यही शहीदों जी उन्होंने शहादत की जी उन्हों की कुरबानी आदे वास्ते इतने आम आदमी पार्टी जो अमृतसर यूनिट आ ये सारा इतने एकत्रित होया वा तो असी यो बेनती करने कि बिना किसी होर देरी दे देखो एक साल बीत गया एक साल मूँह ना कह दीदा वा टब्बर के टब्बर ला के उत्थे वो लोग किसान साढ़े भरा जोड़े भाईचारा बैठा था और कोई वड्डी गल नहीं सी हैगी ये जान बुझ के लम्मा किया जा रहा वा तो साडी बेनती है आम आदमी पार्टी के जिन्हें भी असी कारकुन है खास तौर पर अमृतसर यूनिट जिहड़ा वा साडी बेनती इहो ही है कि जल्द तो जल्द बिना किसी होर ताखीर दे बिना किसी होर देरी दे ये जिहड़े कानून है काले कानून जिन्हां नूं असीं कहिंदे तुरंत वापस ले जाने चाहिए जी तुरंत वापस लैण दी मांग कीती जा रही। अशोक तलवार भी पहुंचे हुए हैं तलवार साहब की कहोगे? मैं कहना चाह रहा अज एक साल हो गया 17 सितंबर 2020 काला दिन हैगा सी जिस दिन 3 काले कानून पास किए गए और उहदा बाद की होया 600 तो वध किसान शहीद हो गए और आ मोदी सरकार इन्होंने कंते जू भी नहीं रेंग रही संवेदनहीन निर्दयी जालम सरकार हैगी है लोग इन्हों सबक सिखा देंगे। आम आदमी पार्टी अज एस अज असी वो किसानों नूं श्रद्धांजलि देन वास्ते इकट्ठे हुए हैं आम आदमी पार्टी नाल ही वादा करती है वो किसानों परिवारों के नाल साड़ी जदों भी जल्दी सरकार पंजाब च आ रही है असी वो सारे परिवारों का असी जुम्मा असी चुकांगे हुणा दिया दुख दर्द तकलीफा किसानों दी नहीं वो साड़ियां हैगियां वो असी
पूरिया निभावांगे। हुण हर पार्टी बाकी दे दर्द समझ रही किसानां दा, बीजेपी क्यों नहीं समझ पा रही दर्द? बीजेपी तानाशाही पार्टी हैगी है, निर्दयी है, जालम है। जिदा अफगानिस्तान च हैगा है की कहंदे है तालिबान है, मैं तो बिल्कुल तालिबान के नाल नहीं गल करांगा। दूजे की गल महसूस भी नहीं करते, समझना नहीं चाह रहे। कभी होंगे कि 600 किसान मर जाए मतलब शहीद हो जाए, और अज के दिन भी उन्होंने मुंह च एक शब्द निकल नहीं रहा है। इस तो वड्डा हिंदुस्तान वास्ते कोई मैं माफ करना, दुनिया ने देश की जनता ने उन्होंने दूसरी बार फतवा दिता सी, काफ़ी वड्डी गिनती में फतवा दिता सी, और उत्थे दोबारा सरकार बनाई केंद्र दूसरी बार फतवा दिता है। नीवा हो जाना चाहिए सी, हंबल हो जाना चाहिए सी। होना दी ते की कमा कहना नहीं चाहता, अहंकार आ गया तौन च, कहिंदे सरिया आ गया। ओ सरकार बड़िया दे आए है सरिए, लोगों ने ला दिते। वैस्ट बंगाल च हो गया, आने वाले इलैक्शन दे विच लोग बहुत जबरदस्त तरीके सबक सिखा देंगे। माफ करना जे मोदी साहब जीते है ना, 70% किसानी वोट से जीते है, भुल गए ने अज उन्हों का दर्द भुल गए ने। कीमत चुकानी ही पेगी। अज मोदी साहब का जन्मदिन भी है 71वां, क्या अज तोहफा नहीं दे सकते किसानों को इस जन्मदिन से? अपने कह सकते संवेदना प्रकट कर सकते जो हो गया उन्होंने, कहें अज एक साल हो गया छोड़ दो। अज मैं तो डिमांड मनता है, अच्छा लगता, लेकिन अज तो उन्होंने अहंकार इन्ना ज्यादा बोल रहा है, एक शब्द नहीं बोले अपने मुँह तो किसानों के प्रति कोई शब्द नहीं बोलिया उन्होंने। तो इस तो ज्यादा संवेदनहीन मैं असी प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा हिंदुस्तान जी। संवेदनहीन प्राइम मिनिस्टर जरा इस तो अगे उन्होंने नहीं देखा, ये आखना है बीजे आम आदमी पार्टी के वलंटियर्स का, क्योंकि तुम दस दिए अज इन्हों वालों उन्होंने की याद में कैंडल मार्च कढ़िया जा रहा है, जेडे कि किसान दिल्ली की बरूहां से तीन खेती कानून खारिज करवाने वास्ते डटे हुए ने, और वड्डी गिनती में किसानों की उत्थे मौत भी हो चुकी है। तो डॉक्टर अजय गुप्ता भी पहुंचे हुए हैं, अजय जी की कहोगे? अज का कैंडल मार्च जिहड़ा वो जिहड़े अज पूरा एक साल हो चुका है केंद्र सरकार नू तीन काले कानून पास कीत्या, 17 सितंबर 2020 नू ये काले कानून लोक सभा दे विच अप्रूव किए गए सीगे, और ये एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत कि एडी एमरजेंसी बन गई सी केंद्र सरकार नू के कोविड च जो लख हजारां दी तादाद च लखां दी तादाद च लोग मर रहे सन उदों इस ऑर्डीनेंस नू लियाण दी की एडी एमरजेंसी बन गई सी। इहदे विच इहनां दी साजिश है, सोची समझी स्कीम है। एक कारपोरेट हाउस जेडे के बीजेपी नू जेड़ा फंड्स दे रहे ने, अज बीजेपी दी ट्रेजरी दे विच 3200+ जेड़ा करोड़ रुपया अज उन्हां दी ट्रेजरी दे विच पिया, उह इहनां नू पुछया जावे कि वह पैसा कित्थों आया, वह रुपया कित्थों आया, सिर्फ ते सिर्फ कारपोरेट हाउस इन्हां नू जिहड़ा उह पैसा दे रहे ने। इस करके तुसीं कह रहे हो ठीक है काले कानून, तुसीं कहिंदे हो किसान भी कहिंदे ने काले कानून, पर बीजेपी कहिंदी है वधिया कानून ने डबल आय हो जाएगी किसानां दी। सिर्फ ते सिर्फ ये कानून बीजेपी नू समझ आंदे ने, किसानां नू ते अज तक नहीं समझ आए, आम आदमी नू अज तक नहीं समझ आए। क्यों? क्योंकि इहदे विच जिहड़ी मंशा है बीजेपी दी, ये सब नू जग जाहिर है, सब नू समझ आती है कि इन्हां दी मंशा की है काले कानूनां नाल, मगर ये महंगाई नू बहुत उच्चे लैके जाना चाहते ने, ते कारपोरेट हाउस नू जिहड़ा है मुनाफा कराना चाहते ने। अज असी इत्थे आम आदमी पार्टी की समुची टीम ने कैंडल मार्च किया, और जिहड़े साढ़े सैकड़े किसान जिहड़े शहीदी जिन्हां ने प्राप्त की है अंदोलन के दौरान, उन्हां वास्ते असी श्रद्धांजलि दे लई इत्थे इकट्ठे होए हाँ, और असी 2 मिनट का मौन व्रत रख के उन्हां दी आत्मा की शांति लई प्रार्थना करना है। जी 2 मिनट का मौन रख के उन्हां आत्माओं की शांति लई प्रार्थना करने वास्ते अज आम आदमी पार्टी वालों कैंडल मार्च कढ़िया गया। तस्वीर तुसीं देखिया वा वड्डी गिनती विच आम आदमी पार्टी के वलंटियर अते आगू साहबान इत्थे पहुंचे हुए ने। टाउन हाल दीआं तस्वीरां ने जिथे कि कैंडल मार्च पहुंचिया वा, और वड्डी संवेदना जताई गई है उन्होंने किसानों प्रति, उन्होंने किसानों के परिवारों प्रति जिहड़े कि किसान इस खेती कानून के खिलाफ जिहड़ा अंदोलन कर रहे हैं उस दौरान शहीदी पा गए ने, और तस्वीरां तुसीं देख सकते हो शहीद मंदल टिंगरां दे बुद्धे थले मोमबत्तियां रखी जा रही ने, और 2 मिनट का मौन भी रखा जा रहा है ता जो जिहड़े किसान इस अंदोलन दौरान
शहादत का जाम पी चुके ने, उन्होंने श्रद्धांजलि दी जा सके। और अज भी आम आदमी पार्टी वालों देश के प्रधानमंत्री को यही तारना की गई है, तीन खेती कानून जड़े ने खारिज किए जा, नहीं तो आने वाले समय अंदर 2024 के इलेक्शन देश की जनता इसका जवाब जरा उन्होंने वोट राही देगी। की कहना चाहते डॉक्टर साहब? गल यह जी, अज एक पूरा एक साल हो गया किसान जरा वो दिल्ली के बार्डर से बैठा है, और जी मोदी सरकार है वो कन से जू नहीं सरक रही। असी ये मोदी ने चेतावनी दें कि देश तो पहला, देश की आजादी तो पहला भी किसान अंदोलन होया, अंग्रेजा ने जो कानून से वह वापस ले, पर मोदी एडा टीट है ये कानून जोड़े वापस नहीं लै रहा। जिन्ना तक ये कानून जोड़े है ये तिने कानून वापस नहीं होंगे। जी आम आदमी पार्टी है वो किसानों पेल भी खड़ी सी और हूँ भी खड़ी रहेगी। और गल ये अपना जो धरने लगाए ने किसानों ने, यदा खमियाजा जोड़ा है 2022 पंजाब और 2024 मोदी जो लोग चलता करेंगे। हाँ बिल्कुल जी, खामियाजा जोड़ा वो चलता करने की गल आखी जा रही है, क्योंकि 2022 पंजाब विधानसभा इलेक्शन ने और 2024 लोग सभा इलेक्शन होनी ने, तो लगातार जोड़े तीन खेती कानून ने जिन्होंने कि सारिया पार्टियां और किसान जोड़े ने काले कानून दस रहे हैं, और उन्होंने वालों यही आख्या जा रहा है भी ये खेती कानून जोड़े ने छेती तो छेती खारिज किए जाने। अज जे किसान दिल्ली बरूहों से डटे हुए हैं, जेडे कि शहादत पा चुके हैं, उन्हों की याद में कैंडल मार्च कढ़ाया गया आम आदमी पार्टी वालों, और उन्होंने याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कैमरा परसन मुकेश बावाना, सिकंदर सरीचा, दैनिक सवेरा टीवी, अमृतसर। अलीशा बेगम, एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है, रूहानी ते काली शक्तियां दी मालकन, दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है, मेरे कीते नू कोई कट नहीं सकदा। काला इल्म करना आते तोड़ना हर एक दे वस दी गल नहीं। परेशानी जिवें लव मैरिज, पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, बुरे सपने, विदेश यात्रा, बुरी संगत जां नशा छुड़ाना, बीमारी च दवा ना लगना, वशीकरण एक सच्चाई है, वशीकरण करवाओ, मन चाह प्यार पाओ। की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं, सच्चाई जानो, लॉटरी नंबर पाओ, भावें 649 होवे जां लोटो मैक्स, 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे, अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी, जकेड़े तो बाहर है तुरंत संपर्क करो, तुहाडी हर गल गुप्त रखी जावेगी। अलीशा बेगम। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान, 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट, सारियां थावां तो निराश अते मायूस होने वाले, एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे ओवें होएगा। इट्स माय प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज, इल्मा दे माहिर, ए टू जेड समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल, वशीकरण अते मुठकरनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी, अष्टाम पेपर समेत, सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी चनपन, जा दुटोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ, जा तुड़वाओ, रुसे नू मनाओ, हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान, 98199 37467।